आई एम मीनाक्षी शर्मा, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल एच पी अमित एजुकेशन। एच पी अमित एजुकेशन जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोज़। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो हमारा है हिंदी MCQ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जो हैं फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन। लेट्स द वीडियो। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, यहाँ पर चिड़िया का बहुवचन रूप है, चिड़िया, चिड़ियाँ, चिड़िये, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी जो है डियर स्टूडेंट्स अपने आंसर जो है वो साथ साथ में लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना हुआ है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, चिड़ियाँ। चिड़िया का बहुवचन रूप जो है वो चिड़ियाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन होगा, आगरे, आगरों, आगरे, बहुवचन नहीं होगा। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, लगाइए आंसर, करिए खुद को एनालाइज। अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन डी, बहुवचन नहीं होगा, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आगरा का बहुवचन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में दाम शब्द है, बहुवचन, द्विवचन, एकवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो भी रूल्स रहते हैं, टिप्स रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं, वो हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस में आपको बड़ी डिटेल में बताए जाते हैं। तो अगर आप भी जो है अगर JBT, TGT, TAT कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सअप करके जो है वो आप भी घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से कर सकते हैं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी में ये जो दाम शब्द है वो आपका बहुवचन है, द्विवचन तो हिंदी में होता नहीं, संस्कृत में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहियाँ किस शब्द का बहुवचन है। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके ये, जिस तरह से एग्जाम पैटर्न में पूछे जाते हैं, चूहा, चूहिया, चूहा या चूहिया, तो क्या आएगा इसका जो भी आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चूहिया। चूहिया शब्द का बहुवचन होगा चूहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह इन्हें विभक्ति लगती है जब ब्लैंक प्रयोग होता है, एकवचन, बहुवचन, द्विवचन या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट आएगा, तो इन्हें जो है वो आपका जब बहुवचन होता है प्रयोग तब लगाया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण शब्द का ब्लैंक वचन में प्रयोग होता है, एकवचन, बहुवचन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्राण शब्द का जो है वो कौन से वचन में प्रयोग होता है, इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राण जो है वो आपका बहुवचन में प्रयोग होता है, एकवचन में नहीं होता है। तो ये सारे वचन के टॉपिक से रिलेटेड आपके MCQs हैं आज के इस वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर बताइए कि इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ है। कल है मेरा जन्मदिन, कौन से ऑप्शन में आपका सर्वनाम है। अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन सी मेरा, तो बिल्कुल आप सही हैं, मेरा जो है वो आपका सर्वनाम है, कल है जन्मदिन ये आपके सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों, कब और कौन, ये कौन से सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो है वो आपका क्या आएगा राइट आंसर, अगर आपने सोचा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, वेल डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल से है। तो सर्वनाम के टॉपिक से आपके ये MCQs हैं, तो ये भी आपको लाइव क्लासेस में बड़ी डिटेल में पढ़ाए गए हैं। तो आपका जो है यहाँ पर क्यों, कब, ये है प्रश्न, सीधा सा आप ट्रिक रख सकते हैं यहाँ, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तुम अपनी बात कहो, मैंने उससे माफ़ी मांगी, तेरे को भी उसके साथ जाना चाहिए, तुम्हारा उससे क्या संबंध है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या आएगा, तो यहाँ पर सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग जो है वो बिल्कुल आपको सही है, सी ऑप्शन।
तेरे को भी उसके साथ जाना चाहिए, यहाँ पर आना था कि तेरे तुझे भी उनके साथ जाना चाहिए, तेरे को नहीं आना था, अशुद्ध है। हिंदी सेक्शन के आज इस वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध, कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है, करेक्ट है। तुमने सारा काम कर दिया, तुझसे सारा काम कर दिया, मुझे सारा काम कर दिया, हमने सारा काम कर दिया। लगाइए आंसर, करिए खुद को एनालाइज। अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हमने सारा काम कर दिया, ये जो वो सर्वनाम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बाकी ये तीनों जो वो अशुद्ध हैं। तो आपका कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारा आज का ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।